वो मेरी पत्नी का मंगलसूत्र ले गए सर। बाइक नंबर CNM 747 था। की पूरी फौज आ रही है। होने की वजह से शहर के पुलिस कमिश्नर ने हालातों को ध्यान में रखते हुए रात को 9 बजे के बाद क्लब, बार और सारी दुकानों को बंद करने का नोटिस जारी किया है। शहर में दंगा फसाद होने की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। रात को 9 बजे के बाद क्लब को बंद करने का ऑर्डर मिला है, ये जानते हो ना तुम? मेरी बात सुनने नहीं देती क्या? यहां का ओनर कौन है? कोयता मुन्ना ओनर। तकलीफ में होने वाले लोग भगवान के पास जाकर दुआ करते हैं। कैरी ऑन। मजे करने वाले लोग क्लब में आते हैं और कुछ पुलिस वाले के कुत्ते यहाँ आकर सिर्फ भौंकते रहते हैं, तुम्हारी तरह। काटने वाले कुत्ते भौंका नहीं करते, मुझे भौंकने की आदत नहीं है। चल पुलिस स्टेशन। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई है। हमारे ही आदमी का किसी मामूली गुंडे ने खून कर दिया है, इसका मतलब जनता हम पर क्या भरोसा करेगी? आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है क्या? आज के अखबार में हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या लिखा है पता है आपको? हमारा डिपार्टमेंट निकम्मा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल हम सब नामर्द हैं ऐसा लिख देंगे वो लोग। उन्हें यह मौका मत दीजिए, कल ही शहर के क्राइम लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए। इट्स माई ऑर्डर। Dismiss. राजा है ना, बाहर निकल।
ए, आज इतना कम क्यों है? सामने के घर में धंधा शुरू हुआ है, कोई आता नहीं। बुलाओ से। प्रेमा? क्या है? राजा बुला रहे हैं तुझे। ए, आज कम क्यों दिया? कम है? तुझे ज्यादा देने के लिए फुटकर में नहीं आता, अपना जिस्म बेचकर कमाते हैं हम। ए, तू किससे बात कर रही है पता है ना? राजा से, एसिड राजा से। एसिड राजा? तो क्या करूं? जबरदस्ती करेगा हमसे? तेरी धमकियों से डरने वाले नहीं है हम। ए बिल्लो रानी। सिर्फ बिल्लो रानी नहीं, कस्मीन जवानी कहो। हाय राजा, तुम हो? तेरी उम्र 16 साल है क्या? ऐसी बात नहीं है राजा। वो क्या है ना कि मुझे अभी सब छोटी लड़की समझते हैं। मैं अभी कच्ची कली लगती हूँ, इसलिए तो मुझे अभी सब बिल्लो रानी कस्मीन जवानी कहते हैं। ए, हफ्ता दे। हाँ, निकाल कर रखा है, ये लो। और आइटम? आइटम तैयार है। सुकरुको, जल्दी आओ। ए, मैं क्या? क्या राजा तुम भी? मैं सूर्यवंशी हूँ, एक बार जिसे छूता हूँ दोबारा उसे नहीं छूता। तो फिर मैं क्या करूँ? बार बार नई लड़कियां लाने के लिए, तुम्हें फुटकर में खिलाने के लिए प्रेमा समझाए क्या? ए साले, तू किससे बात कर रही है पता है? राजा से, एसिड राजा से। किससे? राजा, एसिड राजा। मुझे एक बार चाहिए बोला तो चाहिए, नहीं तो। इसे दूर रखो, मैं भिजवा दूंगी। मैं भिजवा दूंगी। आओ बहन, अंदर आओ। एड्रेस बताता हूँ बोलकर मुझे किसके घर में लेके आए हो? बहन वहां बैठे हैं ना, वो तुम्हें एड्रेस बताएंगे। भैया ये एड्रेस। कौन है भैया? और सब तो मेरा सिर्फ दो ही रिश्ता है, जो कच्ची कली होती है उन्हें दुल्हन समझता हूँ, जो फूल बन जाती है उन्हें कचरा समझता हूँ। चला जा। नहीं भैया, मुझे मत छुइए, मुझे जाने दीजिए, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। मामा चल चल। अरे कहाँ आती है? जो मान जाए वो मेरे लिए वफा है, और जो मुझे इनकार करे वो जफा है। जो नहीं मानता उसे मैं सिर्फ ये देता हूँ। एक मामूली हुंडा लोगों पर एसिड डालता फिर रहा है, इसका मतलब क्या है? रक्षा करेंगे कहकर अधिकार में आकर क्या फायदा हुआ? हाँ सर, हमारे डिपार्टमेंट के पीसी पर भी एसिड फेंका गया। वो आपके डिपार्टमेंट की कमजोरी है, आपकी किस्मत है। उसने कितनी औरतों पर एसिड डाला है, उसका क्या हुआ? जब जनता हमारे पास आकर सवाल करेगी तब हम क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोगों को जनता ने चुना है, उनकी भलाई के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। अरे पाटिल भाई, आपकी बात 100% सही है, लेकिन चिल्लाने से क्या फायदा होगा? समस्या का समाधान ढूंढेंगे ना। समस्या आपके अंदर ही रखकर आप ढूंढने की बात कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? आपके राज में पूरे शहर में हलचल मची हुई है, इस शहर के बारे में सोचना किसका काम है? आपके सीएम गिरी के साथ मेरी भी होम मिनिस्ट्री को उखाड़कर बदनामी का थप्पा लगा रहे हैं आप। अधिकार आपके हाथ में है ना, गलती आपने की है तो राजीनामा दीजिए। आप सोच क्या रहे हैं? अरे ये क्यों राजीनामा देंगे? ए, आप बीच में मत बोलिए, हम अच्छा बुरा समझते हैं। देखिए पाटिल जी, हम सब एक ही पार्टी के सदस्य हैं, अगर कोई समस्या है तो पार्टी के अंदर उसे सुलझाना चाहिए, उसके बजाय एक अपोजिशन पार्टी की तरह राजीनामा दीजिए ऐसी बात कर रहे हैं आप। इस तरह की बात करने का कोई मतलब है क्या? न्याय चाहे अपने लिए मांगो या पराई के लिए, सब एक है। इस बढ़ते क्राइम को एक महीने के अंदर ठंडा करना ही होगा। सर्टेनली सर, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट को आपके पॉलिटिशियन का सपोर्ट चाहिए, हमारे काम में किसी को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड दैट। हमारी सरकार आपके डिपार्टमेंट को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, बट आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन पॉजिटिव रिजल्ट। दिस इज सीएम्स ऑर्डर। इस काम के लिए हमें एक इमिनेंट ऑफिसर चाहिए, और वो है सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार। नो सर। Is there any problem? There is no problem. इस sincere officer कहने में कोई शक नहीं है, but he is emotional, arrogant and short-tempered. रोष आवेश हर इंसान के अंदर होता है, उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने वाले को पुलिस कहते हैं, और ये खासियत है अशोक कुमार में। वर्कर यूनियन जिंदाबाद, 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 वर्कर यूनियन जिंदाबाद।
कार किसके पता लगाओ। MS06375 जाओ जाओ। ओके सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? ए, कौन है यहाँ का इंचार्ज? हाँ सॉरी सर, क्या हुआ? बच्चे को यहाँ लाए आधा घंटा हो गया, कहाँ थे आप लोग? हाँ कहाँ थे? आई एम सॉरी सर, उठाओ इसे, जल्दी करो जल्दी, बच्चे को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। इन्हें क्या हुआ? वही सर, हिंदू मुस्लिम के दंगे में लोग घायल हो गए। चलिए इधर चलिए, आइए इधर आइए आइए। डॉक्टर, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं सब मुसलमानों की लाश बिछा दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर मेरे बच्चे को क्या हुआ? डॉक्टर किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचाइए। डॉक्टर मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इस बच्चे को एबी पॉजिटिव खून की जरूरत है जो नहीं है। हमने हर जगह फोन किया पर वो नहीं मिला। मेरा ब्लड एबी पॉजिटिव है। भैया भगवान आपका भला करे, किसी भी तरह मेरे बच्चे को बचा लो भैया, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही? उठो बहन, देखो तुमने मुझे भैया कहा ना, मैं खून जरूर दूंगा लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो सारे मुसलमानों को मैं खत्म कर दूंगा। बस कर, मैंने इसे खून दिया तो तेरे बेटे के शरीर में भी मुस्लिम का खून होगा, तो क्या तू इसे भी मार डालेगा? अरे तुम चुप रहो, एक तो भगवान जैसा इंसान मिला है और उनसे तुम लड़ रहे हो, तुम इंसान नहीं हो। भैया किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर प्लीज प्लीज कम प्लीज कम। बहुत सही कहा भाई, वैसे मुस्लिम होने के नाते हम दोनों भाई भाई हुए ना। तुम क्या सच्चे मुस्लिम हो? क्यों, सच्चा मुस्लिम कौन होता है पता है? जब अपना कोई पड़ोसी भूखा होता है तब वो हिंदू हो या मुस्लिम हो देखे बिना उसकी भूख मिटाकर बाद में अपना देखता है, वो सच्चा मुस्लिम अच्छा इंसान होता है। अच्छा इंसान हिंदू में भी है, क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने हमें अलग नहीं समझा, इसीलिए हम आज यहाँ हैं। और एक बात याद रखना, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई नहीं होते, हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं होते, हिंदू मुस्लिम ही भाई भाई होते हैं, समझे? वेरी गुड, वेल सेड। आपका नाम क्या है? अल्लाह बख्श। देखिए हम पब्लिक सर्वेंट हैं, उनकी सेवा हमारा फर्ज है, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप ही पहले ब्लड डोनेट करके हिंदू मुस्लिम भाई भाई है इसका सबूत दीजिए। यस सर। सर कंट्रोल रूम से फोन आया था, एक्सीडेंट की हुई कार जज की थी, वो बांद्रा में रहते हैं, इतनी खबर मिली है। ऑलराइट सर। सर सर आप अशोक कुमार हैं? यस। क्यों रे, कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हो? हाँ एक्सीडेंट होने पर गाड़ी रोक नहीं सकते थे? सर वो मैं गाड़ी रोकने ही वाला था पर साहब ने मुझे अर्जेंटली जाने को कहा। क्यों सर, लोगों को आप न्याय दिलाते हैं, आपने जो किया वो न्याय था? एक अर्जेंट केस था, जजमेंट देना, इसलिए फास्ट जाकर एक्सीडेंट कर दिया। आप फास्ट जाकर क्या करने वाले थे, एक अपराधी को सजा देते? इस वजह से एक मासूम भला क्यों सजा भुगते? एक्सीडेंट होने पर कार रोक करके आपने देखने की भी जरूरत नहीं समझी? औरतों को छोटा दर्जा देने वाले इस युग में अगर उस लड़की के हाथ पैर को कुछ हो जाता तो क्या होता? अगर ये हादसा आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? अपने पावर का उपयोग करके पूरा शहर सर पे उठा लेते। हमारे सिस्टम में सिर्फ यही चीज गलत है, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई गलती करे उन्हें सजा आप लोग देते हैं, लेकिन आप लोग जब गलत फैसला करते हैं तब आपसे कोई कुछ नहीं पूछता। पूछने का हक भी सरकार ने हमें नहीं दिया, नहीं दिया सर, इसलिए आप लोग अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलता रहेगा, समझ गए आप? राइटर को बुलाइए। मिस्टर अशोक कुमार, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस लड़की का सारा इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो, आई विल बियर इट, बिलीव मी प्लीज। ओके सर, आपने अपनी गलती मान ली, इतना सर, कमिश्नर ऑफिस से फोन है। हाँ आइए अशोक कुमार, प्लीज कम, यह है आपका ट्रांसफर ऑर्डर। आई एम सॉरी सर। क्यों, क्या हुआ? सर मुझे ट्रांसफर हुए 6 महीने हुए हैं, कितने फाइलों में दबे हुए केस अब क्लियर हो रहे हैं। मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर से केस बंद हो जाएंगे। किसी और को आप भेज सकते हैं सर। उस एरिया में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। क्यों सर,
आप लोगों के अपने बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे इसका डर है क्या? जिस जगह पे कोई नहीं जा रहा है वहां मेरी पोस्टिंग करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी बीवी बच्चे नहीं है इसीलिए क्या? मिस्टर अशोक, दिस इज हाई ऑफिसर ऑर्डर, यू शुड ओबे इट। अपने बाप का घर है बोलकर कोई खुद को फांसी नहीं लगाता? वहां कोई भी ऑफिसर नहीं जा रहा है मतलब हमारे डिपार्टमेंट में जरूर कोई वीकनेस होगी मैडम, आपने ये कभी सोचा है? आप कहना क्या चाहते हो? लैक ऑफ सिक्योरिटी, हमारी अपनी सिक्योरिटी कमजोर है। अपने सिपाहियों को हमने क्या दिया? वही 1947 के दौर की राइफल, एक बार गोली चलाने के बाद फिर से लोड करने में आधा घंटा लगता है, और हमें ये 6 गोलियों की रिवॉल्वर, हर बार गोली चलाने पर उसका हिसाब और वजह देनी पड़ती है। क्यों सर, हम पर अटैक करने वाले लोग हमारा गोलियां भरने तक इंतजार करेंगे क्या? या वो हमारे पास 6 ही बुलेट है सोचकर सिर्फ 6 लोग आएंगे? जब कोई फंक्शन होता है या कोई पॉलिटिशियन आता है तब पुलिस स्टेशन के सारे सिपाहियों को सिक्योरिटी के लिए भेज दिया जाता है। मंत्रियों को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है सर? जनता उन्हें सोच समझ कर चुनती है ना, तो फिर जनता से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो समझिए कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, और गुनहगार को सजा देना न्याय है, चाहे फिर सजा हम दे या फिर जनता, सब एक है। सर हकीकत में सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए, पॉलिटिशियंस को नहीं। दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर गुंडों से हम लड़ते हैं, हमारे घर से निकलने के बाद हमारा पति घर लौटेगा या नहीं ये फिक्र हमारी औरतें करती हैं, उनकी नहीं। बस कीजिए, काम की बातें करने के बजाय फालतू की बातें कर रहे हैं। अब इन्हें कौन बचाएगा? यहाँ पर कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, लोडेड रिवॉल्वर्स हैं, फिर भी इन्हें बचा नहीं सकते। देश के लिए लड़ने वाले तीनों गांधियों को हम सिक्योरिटी नहीं दे पाए तो फिर हम क्या चीज है? आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, हमारे डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी वीकनेस दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा, अपने डिपार्टमेंट के बारे में कह रहा हूं सर। वैसे आप क्रांतिकारी की तरह भाषण अच्छा देते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स मैडम, आपने मुझे सही समझा, लेकिन मैंने जो पहना है वो कर्तव्य को भगवान मानने वाले खाकी को, ये भजन करने वाला पंडित नहीं हूं मैं, ना ही भाषण देने वाला नेता। तो क्या हमने जो पहना है वो खाकी नहीं है? जब आप इतना भी नहीं जानती तो डिपार्टमेंट में क्यों है? मिस्टर अशोक कुमार, सॉरी मैडम, यहाँ मुझ पर जोर जबरदस्ती करने के लिए आप खाकी पहनी हुई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि मेरी धर्म पत्नी है। हाँ जानती हूँ, तुम्हारे बिहेवियर के बारे में तुम्हें कुछ पता है? हमारे डिपार्टमेंट वाले आपको क्या कहते पता है? शॉर्ट टेम्पर्ड, इमोशनल, एरोगेंट। मैं हूं ही ऐसा, अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अपने ट्रांसफर ऑर्डर को कबूल किया ना, तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है आपको? मैंने ड्रामा नहीं किया, आई जस्ट एक्सपोज द डिपार्टमेंट वीकनेस। तो क्या तुम्हारी बीवी ने ऐसा कहा था? वो ड्रामा था या सच? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, पहले मुझे जवाब दो, मेरे होते हुए बीवी नहीं है ऐसा क्यों कहा? पहले मुझे जवाब दो, दो ना। स्टैचू नहा कर आता हूँ। क्यों भाई आज घर में इतनी शांति क्यों है? ओ तुम स्टैचू होकर खड़ी हो इसीलिए, हाँ तुम्हें तड़पाना अच्छा नहीं लगता, क्या करें, रिलैक्स। मिसेस अशोक कुमार, प्लीज प्रिपेयर द डिनर। आज खाना पकाने का मूड नहीं है, होटल में ले जाओ। होटल में? अरे नहीं डार्लिंग, पेट खराब हो जाएगा। अच्छा रात को बेडरूम में आओगे ना तो सुबह तक स्टैचू करके रखूंगी। नहीं डार्लिंग, बॉडी खराब हो जाएगी। हमें अशोक कुमार जी चाहिए, अशोक कुमार चाहिए। आप लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानिए, अशोक कुमार जी की जरूरत जितनी आपको है उतनी हमारे डिपार्टमेंट को भी है, उन्हें यहाँ से ट्रांसफर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतने दिनों से वो थे तो हम चैन की नींद सो रहे थे, अब उन्हें भेजकर मुसीबत झेलते रहें क्या? नहीं, आपके एरिया में जब दंगा हो रहा था तब पहले वाले एरिया के लोग अशोक कुमार को नहीं जाने देते और आपकी तरह लड़ते तो आपको चैन मिलता क्या? शांति से रह पाते क्या? आपको सिर्फ अपनी खुशी चाहिए, दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं है। चामराज पटेल में आपकी माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो आपको खुशी होगी? हाँ
देखिए, हमारे शहर में बहुत से पुलिस स्टेशन हैं, फिर भी लोग मुसीबत झेल रहे हैं। इसे दूर करने के लिए अशोक कुमार जैसे सिंसियर ऑफिसर्स कुछ ही जगहों में हैं। उन पर जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं, राज्य के सभी लोगों की जिम्मेदारी उन पर है। हम कुछ नहीं जानते, हम अशोक कुमार जी को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। साइलेंस। जनता की भलाई के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है, लेकिन कानून की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। अब ये मत कहिएगा कि हम पुलिस नहीं है। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बगैर वर्दी वाला पुलिस है, और हर एक पुलिस वाला वर्दी पहना हुआ नागरिक। अगर आप ये सब समझेंगे तो इस देश में पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं होगी। इसे समझने की कोशिश कीजिए, हमारी विनती है। हार सिर्फ तीन लोगों को पहनाया जाता है, महात्माओं को, परमात्माओं को, हुतात्माओं को। मैं इनमें से कोई नहीं हूं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू योर ड्यूटी। आप भी इसी स्टेशन से हैं? यस सर। गुड। कल सुबह 9 बजे के अंदर सारे गुंडे प्लस एंटी सोशल एलिमेंट से संबंधित सारे लोग इस स्टेशन में होने चाहिए, शार्प 9 o'clock। यस सर। क्यों मैडम, आज इतना सारा खाना खिलाने? अरे वो कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या कर रहा है? आपके बच्चे नहीं क्या? मैं उनके भी पैर छू लेता। कौन हो तुम? पीसी नथुलाल, चौराज पेट पुलिस स्टेशन, रिपोर्टिंग सर। अरे तुम सबके पैरों पर गिर रहे हो, मर्डर केस है क्या? नहीं सर, डिलीवरी केस है। मेरी एक ही पत्नी है। औरों की दो होती है क्या? कईयों की दो, तीन, चार पत्नियां भी होती हैं। मेरी एक ही है। उस एक पत्नी को 2 बच्चे होने के बाद ऑपरेशन कराऊंगा सोचा था। पहली डिलीवरी में एक ही बच्चा हुआ, दूसरी डिलीवरी में 2 बच्चे हुए सर। ओहो, तो 3 बच्चे हुए हैं। दो ही डिलीवरी हुई सर। पर बच्चे तो 3 हुए ना सर। आप ही ऐसा कहेंगे तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी सर। मैम साहब, आप उन्हें समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं, वो किसी की बात नहीं सुनते। अरे, औरतों की बात भगवान भी नहीं सुनता है तो फिर इंसान क्या चीज है? मैडम को मस्का मार रहे हो क्या? नहीं सर, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। मैडम, इस दौर में पत्नी अगर चाहे तो सीएम पीएम हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, तो सिफारिश करना कौन सा बड़ा काम है? प्लीज मैडम। सर, दूसरी डिलीवरी में बोनस मिलता अगर पता होता तो पहली बार में मैं एबॉर्शन करवा देता सर। सर, 2 इश्यू है बोलकर आप रिकमेंड करेंगे तो मुझे पेंडिंग इंक्रीमेंट मिलेगा सर। ठीक है, सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, 3 बच्चे हैं बताऊंगा। सर, 3 बच्चे, 2 इश्यू। अरे देखिए ना, तब से बच्चा रो रहा है। क्यों जी, आज मेरे पति तो बहुत खुश लग रहे हैं। ना 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 ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? ना 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 ना, तो घुस मिला क्या? तो क्या बात है जी? अरे भाग्यवान, मेरे साहब मेरे 2 इश्यू है बोलकर इंक्रीमेंट दिलाने वाले हैं मुझे। चल। कहा, और तो पैदा करें क्या? 5 पांडव पैदा करके कुरुक्षेत्र बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। तू इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? वो कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहने को पुलिस का काम करते हैं और संसार में आपसे लेट भरती है लोग। घर, बंगला, जायदाद, वायदाद, इतना सब बना के बैठे हैं। और आपने क्या किया? एटलीस्ट हमारे मरने के बाद आराम से सोने के लिए 1 फीट जगह कम से कम ले लेते, समझे? अच्छे, दारू की दुकान स्कूल और मंदिर से 100 मीटर दूर होनी चाहिए। सर। चुप। थिएटर के पास टिकट ब्लैक करना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों को डरा कर उनसे पैसे हड़पने। लोगों को डरा कर उनसे पैसे हड़पने वाले मेरी नजर में पड़े तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। रात को 9 बजे के बाद क्लब और बार के ओनर इस एरिया में इतना ही है क्या? नहीं सर, मेन आदमी नहीं आया। कौन है वो? कोयता मुन्ना सर। उसे यहाँ बुलाने पर वो अक्सर ये भिजवाता है सर।
उससे मिलने के लिए हमें ही वहां पर जाना पड़ेगा। मुंदा, मेरा नाम कोयता मुन्ना है, नहीं जानते क्या? कोयता पुलिस स्टेशन में था और तुम यहाँ थे, दोनों को एक साथ मिलाने का मन किया इसलिए चला आया। अब तक यहाँ आकर मुझसे मिलने वाले सारे ऑफिसर्स हैप्पी टू मीट यू कहकर जाते थे मुझे, लेकिन तुम सैड टू मीट यू कहने जैसा काम कर रहे हो। ये क्या है जानते हो? सत्य, अहिंसा, न्याय, नीति, धर्म, इन सब से मिले कानून की मुट्ठी से तुम्हें मारा तो तुम नहीं बचोगे। ए, अपना गुस्सा मुझ पर दिखा, मुझे मार, फर्नीचर क्यों तोड़ रहा है? मेरे हाथ में अगर कोयता होता तो अब तक तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। मेरा किस्सा खत्म करने की तेरी इस तमन्ना के साथ तेरा इस तरह दहाड़ना भी आखिरी है, क्योंकि तुमने एक सिंसियर एसआई का खून किया है। यस सर, सुपर सर, बहुत अच्छा सर। क्यों? इस कोयता मुन्ना का, उन गुंडे मवालियों का कचुमर बना डाला ना, इसीलिए। हैट्स ऑफ टू यू सर। सर सर, आप खुश हैं ना सर? क्यों? क्या ये? ए इंक्रीमेंट ट्विन्स। सर इसे तो तीन बच्चे हैं सर। यू शट अप। यस सर। आपको कहाँ कैसे बात करनी चाहिए समझ में नहीं आता? ये पुलिस स्टेशन है, डू योर ड्यूटी। सॉरी सर। अरे यार नत्थूलाल, यू आर वेरी बैड लक फेलो। 10 मिनट में पद्मश्री अवार्ड हो गया, नहीं तो तुम्हें तो ठीक से सैल्यूट करने भी नहीं आता और पद्मश्री अवार्ड मिस होने की बात करते हो। ना, अवार्ड नहीं सर, पद्मश्री नाम की एक होम मिनिस्टर की बेटी थी, 10 साल पहले उससे प्यार करता था, गहरा प्यार। शादी के दिन 10 मिनट लेट पहुंचा, तब तक वो किसी और के साथ भाग गई। नहीं तो ये नत्थूलाल ऐसा या सीआई होता, एसीपी या डीसीपी होता, कमिश्नर या डीआईजी होता, सीएम या पीएम कुछ तो होता सर। अभी आप क्या हैं? पीसी। पहले पीसी का फर्ज ठीक से निभाइए। आंटी आंटी, कल हमारे स्कूल में क्या हुआ पता है? हमारी मिस एसीपी मैडम है। क्या है?
हम यहाँ किस काम के लिए आ गए थे भूल गए क्या? इन्हें मीनाक्षी आंटी बुलाओ, समझ गई ना? अरे रे, मैं सच में भूल गई थी बेटा। मीनाक्षी आंटी, सॉरी, आपकी शादी कब हुई थी? ये सब अभी पूछना जरूरी है क्या? हम किस काम से आए हैं पता है ना? अगर वो चेन चुराएंगे तो मैं चिल्लाऊंगी या नहीं? आपने बताया ही नहीं। बख्श, इनकी बाइक लेकर जाओ। यस सर। हो गया हो गया हो गया, चल रहा है। मीनाक्षी, तुम एक एसीपी होते हुए भी, हमने ट्रैप बिछाई है जानते हुए भी, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हें दिमाग आया नहीं? वो पास आने तक मैं एसीपी थी। जब उसने मेरा मंगलसूत्र छीनना चाहा, तब मुझे ख्याल आया कि मैं एक पत्नी हूं। ए अशोक, क्या देख रहे हो? हाँ? ए क्या देख रहे हो? स्टैचू। रिलैक्स, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना, फिर भी चाचू बोलकर किस करना चाहिए क्या? तुम्हें एक पत्नी की भावना देखकर अच्छा लगा, इसलिए तुम्हें आजमाने के लिए थोड़ा सा पति वाला एटीट्यूड दिखलाया मैंने। जिस तरह तुम्हें एक पत्नी की भावना जगी, उस तरह माँ बनने की भावना कभी नहीं जगी क्या? ओफो, कल हमारी गवर्नमेंट कहती थी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करो, और आज कह रहे एक बच्चा बहुत है, और कल कहेंगे बच्चा ही नहीं चाहिए। इसीलिए पहले से प्रिपेयर होना सही है। मीनाक्षी, आई एम नॉट जोकिंग, सच कहो। बच्चा तो मुझे भी चाहिए अशोक, लेकिन हम दोनों भी पुलिस वाले हैं। घर से बाहर निकलने के बाद फिर से जिंदा लौटेंगे या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। और ऊपर से हम दोनों अनाथ हैं, एक और अनाथ को पैदा क्यों करें? Am I right? सब रख दिया है सर। आपके जेवर मिलने की वजह है सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार जी की हिम्मत और काम के प्रति इनकी लगन। एक एक करके आगे बढ़िए, अपने जेवर को पहचानिए और आप इन्हें ले जाइए। नहीं मैडम, हम अपने जेवर अशोक कुमार जी के हाथों से ही लेंगे। तो फिर मैं अपना पहले ले लेती हूँ। चुपचाप पड़ जाए। क्या हुआ? मेरी चेन। और लास्ट में आपने एक सुहागन की निशानी लौटाइए, भगवान आपको सदा सुखी रखे। बस बस बस, एजी मैं भी ले लेती हूँ ना। लास्ट, बेस्ट में। धन्यवाद सर। फोटो प्लीज। नहीं, मुझे ये सब पसंद है। हमारी खुशी के लिए एक फोटो प्लीज सर। अल्लाह बख्श। मैं इधर आओ ना। नहीं सर। आओ तो। इस कामयाबी का असली हकदार मेरा साथी अल्लाह बख्श है। जी, आप भी फोटो खिंचाइए ना।
मैंने चोरों को नहीं पकड़ा है। नहीं पकड़ा तो क्या हुआ, आप भी तो पुलिस वाले हैं ना, जाइए ना, जाओ ना। चलिए सर, दोनों फोटो खिंचवाते हैं। चुप बैठो, अगर हम वहाँ जाकर खड़े होंगे तो जेवर बरामद करने वाले पुलिस नहीं लगेंगे, उसे चुराए हुए चोर लगेंगे। ठीक से खड़े रहो। ठीक है, फिर एक बार करेंगे। अशोक बी सीरियस, प्लीज मेरी बात मानो, कल 15 अगस्त है, फ्लैग होस्टिंग के वक्त फिर से कमल में प्रॉब्लम होने की गुंजाइश है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग जहाँ प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ प्रॉब्लम बोलकर उसे बड़ा इशू बनाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। What do you mean? ये कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है मीनू, क्रिएटेड प्रॉब्लम है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दंगा करवाते हैं और अनजान लोग लड़ झगड़ कर मरते हैं। इस समस्या का समाधान मारने से नहीं, समझाने से होता है। अगर समझाने से भी ना माने तो? आप लोगों ने कब समझाया है बताइए? पावर है इसलिए जो मिला उसे मारते रहो। इस तरह इंसान तो क्या जानवर भी नहीं समझेगा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, पाठ पढ़ाए बिना होमवर्क दिया तो कैसे चलेगा? पाठ पढ़ाकर होमवर्क देकर बाद में गलती करने पर मारना चाहिए, क्या कहती हो? तुम्हारी बात समझना मतलब सर फोड़ना है। हाँ, वैसे भी तुम ट्यूबलाइट देर से समझती हो, रात में मेरे पास आ जाना, सब सिखा दूंगा। हाँ, वो पाठ पढ़ाऊंगा, पाठ। यू तुम्हें ना स्टैचू। बाय बाय, तुम यही रुकना, मैं एक दौड़ लगा कर आता हूँ। सर दो ग्रुप लीडर आए। हाँ आइए आइए। सलाम अलैकुम सर, बैठिए सर। हाँ, मैं हिंदू समाज का लीडर हूँ। मैं इस्लामिक लीडर हूँ सर। स्टॉप इट, स्टॉप इट। हिंदू मुस्लिम नहीं, इंडियन इंडियन कहिए। राजू सर, कॉफी मंगाओ। यस सर। आप दोनों के बीच क्या झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर दंगा कैसे हुआ? इनके लोगों ने आपके घर में घुसकर कोई झगड़ा किया क्या? इनके लोगों ने आपके बीवी बच्चों पर कुछ? नहीं सर। नहीं तो फिर किसी ने कुछ कहा? नहीं सर। नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, फिर भी दंगा? क्यों हुआ दंगा? बैठ 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 बैठ। आपके बीवी बच्चे हैं क्या? हैं सर, दो बच्चे हैं। और आपके? मेरे चार बच्चे हैं साहब। आपके फैमिली के बीच कोई झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम दोस्त की तरह रहते हैं सर। हमारे घर में त्योहार होने से वो आते हैं और उनके घर में त्योहार होने से हम जाते हैं साहब। फैमिली फ्रेंड है, दोनों फैमिली फ्रेंड है, फिर भी झगड़ रहे हैं, मार काट कर रहे हैं, है ना? तुम लोगों के झगड़े में अपने औरतों बच्चों को चौराहे पर लाकर उन्हें खून से क्यों नहला रहे हो? क्यों? जिस जगह पे आप दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं, उस जगह की अहमियत क्या है आपको पता है? आजादी के खातिर अंग्रेजों से लड़कर हमारे सैकड़ों भारतीय लोगों ने अपनी जाने गंवाई, वो जगह है ये। उस वक्त किसी में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था, भारतीय नाम की एकता थी, आजादी पाने का मकसद था। आप लोगों का कोई मकसद नहीं, एक दूसरे से लड़कर मर रहे हैं। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम ये भूलकर खुद को भारतीय मानकर खुद चैन से जीकर औरों को भी चैन से जीने देना चाहिए। मैं आप लोगों को लास्ट वार्निंग देता हूं, अगर आप लोग लड़ाई बंद करके एक नहीं हुए तो मैं आप लोगों की जिंदगी नर्क से बदतर कर दूंगा। कॉफी पीकर जा सकते हैं आप लोग। ब्रिटिशों के दौरान झंडा लहराने के लिए जो लोग अपनी जान भी दिया करते थे, वो आजादी के बाद जान देने के डर से झंडा लहराने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। कैसे बच्चे जने हैं माँ तुमने, हैट्स ऑफ टू यू भारत माता, हैट्स ऑफ टू यू। झंडा फहराइए सर, आइए। हाँ सर, आइए सर। मैं? नो नो, इस देश का भविष्य इन बच्चों के हाथ में है, इन्हें ले। Thank you.
मालिक। मालिक मालिक, डोंट डिस्टर्ब, मैं बिल्लो रानी के साथ हूँ। अगर किसी इंसान पे मुसीबत आने वाली हो उसने सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। जल्दी से बाहर निकलिए। साले, हफ्ते में मुझे सिर्फ 3 दिन मिलते हैं और आज ये आखिरी दिन है। अगर डिस्टर्ब किया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं जो बात कहने आया वो आपने सुना तो, और 3 दिन छुट्टी देने पर भी आप मना करेंगे, समझे क्या? अबे साले, ऐसी क्या बात है? आपके इब्राहिम भाई ने जिस टेररिस्ट को भेजा था ना, वो आप पुलिस स्टेशन में जम के मुक्के खा रहा है और आप यहाँ लगे पड़े। कुड़ाव की जवानी फूट रही है। अरे भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने मालिक को कहा कि विश्वास को पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने मुझे काट लिया। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो उससे बताना नहीं, बहुत टेंशन ले लेता है। टेंशन क्या भाड़ में, मगर उसने मुंह खोल दिया तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा। जल्दी फोन कीजिए। खबर देने पर आप काटते, उन्हें बताने पर वो मारते मुझे। चिल्ला मत, मारूंगी। तुम भी हाथ साफ कर लो, बैलेंस क्यों रखती हो? इब्राहिम भाई। क्या बात है? आपके आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है, हमारा प्लान सब उल्टा हो गया है। अब सीएम को कुर्सी से हटाना बहुत मुश्किल है। फिकर मत करना, कुछ नहीं होगा। अगर उसने हमारा नाम उगल दिया तो इस प्रिजन मिनिस्टर को खुद प्रिजन में रहना पड़ेगा। वो इब्राहिम का आदमी है, बहुत वफादार है, वफादारी में कुत्ते से भी तेज है। यहाँ पुलिस वालों ने शेर के बदले अशोक कुमार को भेजा, समझे? चिल्लाओ मत, मैं सोच समझ के काम करता हूँ। उसके सोचने समझने तक आप लोगों का सर धड़ से अलग हो जाएगा, देखना। मुंह बंद करने का क्या लोगे तुम? इसने खाना वाना खाया ना? मना किया सर। तुम्हें किसने कहा ये काम करो? देखो, मैं जरा अलग आदमी हूं। कम ऑन, टेल मी। मेरा नाम विश्वास है। हर करते हो देशद्रोही का काम। बताओ कौन है वो? मेरा नाम जानने के बाद भी मैं क्या चीज हूं पता नहीं चला क्या? अगर मैंने मारा तो तुम्हारे खून के साथ तुम्हारे मुंह से भी सच्चाई बाहर निकल जाएगी। लेकिन मैं मारूंगा नहीं, बोलो। ओके। राष्ट्रीय ध्वज मेरी मां जैसी है और तुमने उसे जलाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ए, मेरे बाप को पता चला तो तेरी खैर नहीं। प्रिजन मिनिस्टर शशिकांत है। यू रास्कल, ले चलो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं एसीपी से कमिश्नर बना दूंगा, बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम जो मांगोगी वो दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। देखो मुझे छोड़ दो प्लीज। इज्जत से कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे बाप को पता चला तो तुम्हारी वर्दी नहीं रहेगी, जान लेना। बुला तेरे बाप को। डैडी 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 डैडी। ए गौतम, क्या हुआ? सर, कॉलेज में पीकर एक लड़की का रेप करने के जुर्म में आपके बेटे को अरेस्ट किया है मैंने। मैंने जानबूझकर नहीं किया डैड, उस लड़की ने मुझे बहकाया डैड। इसने बचपन में ही अपने माँ को खो दिया, माँ के दूध के बजाय हम इसे बोतल में दूध देने लगे, बड़ा होते होते दूध छोड़ दिया मगर बोतल नहीं छोड़ी। देखो गलती इसकी नहीं है, बोतल की है। बेचारा बिन माँ का बच्चा है, गलती हो गई समझकर एक पिटी केस दर्ज करके छोड़ दो। पिटी केस? काश अगर मैं जज होती तो आईपीसी को रिफर किए बिना औरतों के हाथों खुलेआम पत्थर फेंकवा कर इसे खत्म कर देती। बास्टर्ड। पर सजा देने के लिए कोर्ट है। मिस्टर शशिकांत जी, सारी ताकत आजमा लीजिए, मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी।
बेकार में फोन करके टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं कहने आई थी। That's it. Dad, Dad, help me, Dad. Please, Dad. Dad, please help me, Daddy. Please, Dad, help me. Please. भैया, आईजी को फोन लगाइए, अभी के अभी उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। No. अरेस्ट हुए बेटों को बचाए बिना उसकी गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए, ऐसा समझकर प्रिजन मिनिस्टर चुप रहे, ऐसी लोग बातें करेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स। बयानात और दलीलें सुनने के बाद गौतम को मुजरिम करार देकर आईपीसी सेक्शन 506 के मुताबिक ये अदालत गौतम को 7 साल कैदे बाव मुशक्कत की सजा सुनाती है। वेल डन मैडम, वेल डन। मिनिस्टर का बेटा है, इसकी परवाह ना करते हुए कर्तव्य को अहमियत देने वाले ऑफिसर आज भी हमारे राज्य में है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। लिखिए, प्रेस वाले लिखिए, कमान कमान। ट्रैक दूसरी तरफ दौड़ रहा है। आपने कुछ कहा क्या? ट्रैक दूसरी तरफ दौड़ रहा है, ऐसा कहा। इसके बारे में बात करके सीएम के हाथों से इन्हें पुरस्कार दिलवाने का फैसला किया है हमने। लिखिए, इसे बड़ी न्यूज बनाकर छापिए। पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है। क्या कहा? पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है, ऐसा कहा। डैड, डैड, हेल्प मी, डैड, गौतम, डैड, प्लीज हेल्प मी, डैड, डैडी, प्लीज हेल्प मी, डैडी, डैड। मुझसे मेरे बेटे को दूर किया ना, आई वॉन्ट फॉरगेट इट। मतलब क्या करें, एक बाप को 7 साल अपने बेटे से दूर रहना पड़ेगा, इसीलिए। दुखी मत होइए सर, एक डॉक्टर हॉस्पिटल बनवाकर 4 लोगों का इलाज करके अपनी जिंदगी सफल हुई समझता है, वैसे ही आपके बेटे को जेल भेजकर प्रिजन मिनिस्टर के नाते आपकी जिंदगी सफल हो गई। मैडम, मैडम, अल्लाह बख्श भाई, एसिड फेंका गया। क्या? वो कहाँ है? ज्योति नर्सिंग होम। वाह, अब आपकी जिंदगी सफल हो गई क्या? मेरा जीवन तो तभी सफल होगा जब दुश्मनों की मौत होगी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। This is political style. अल्लाह बख्श, अल्लाह बख्श। सर, कैसे हुआ? सर, मेरी बेटी के बर्थडे के लिए हम कपड़े खरीदने गए थे। इसे पकड़ो, मैं अभी आया। चलो बेटा, मम्मी, जल्दी चढ़ दो मम्मी। अरे तुम्हारे पापा है वो, चलो ना बेटी, आओ बेटी, चढ़ दो मम्मी। आओ बेटी, तुम्हारे पापा है वो। मैं नहीं आऊं ना, मुझे चढ़ दो बेटा, जिद नहीं करते, आओ, चलो ना, आओ, आओ बेटी, तुम्हारे पापा है। आओ बेटी, पापा बुला रहे हैं। आओ बेटी, आओ, चलो ना, चलो, मुझे चढ़ दो। आओ बेटी, आ जाओ मेरे पीछे। आओ बेटी, तुम्हारे पापा है वो, चलो। नहीं मम्मी, चलो ना बेटी, चलो, चलो बेटा, तुम्हारे पापा है। मेरे पास आओ। अल्लाह बख्श, हौसला रखो सर, मेरे ऊपर एक मेहरबानी करेंगे सर, प्लीज सर। मेरे होते हुए फिक्र क्यों करते हो, कुछ नहीं होगा। डिपार्टमेंट की दी हुई खाकी वर्दी को हमेशा अपने कफन समझ के पहना है सर मैंने, मुझे मुझे मौत का डर नहीं है सर, पर मेरी बेटी अगर मेरी शक्ल देख के डरती रही तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी सर, मौत से बदतर हो जाएगी सर। इतना नहीं सर, मेरी बीवी भी मेरे पास आने से डरेगी सर, मेरे पास आने से। सर, मैं हर तकलीफ झेल सकता हूँ, पर अपनी बीवी और बेटी की दूरी नहीं झेल सकता सर, नहीं झेल सकता सर, क्या करूँ, मेरी हालत मौत से भी बदतर हो चुकी है सर। ऐसी मुसीबत किसी और पिता पर नहीं आनी चाहिए सर, एसिड रजा को पकड़िए सर, इसके लिए मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ सर, प्लीज सर, उसे पकड़िए सर, एसिड रजा को सजा मिलनी चाहिए सर, उसे पकड़िए सर, उसे छोड़िएगा मत सर।
हिजड़े की औलाद, आज तेरे पापों की गठरी भर चुकी है, तेरा हिसाब करने आया हूं मैं। अशोक कुमार, तू मुझे अरेस्ट करेगा? मेरे जेल से छूटते ही मैं तुम्हारा नाम और जान मिटा दूंगा। मेरा नाम एसिड राजा है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अशोक कुमार, आखिर उस एसिड राजा को पकड़कर हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत रख ली तुमने। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, हमारे डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर होता तो यही करता सर। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। सर अल्लाह बख्श के इलाज के लिए। हाँ हाँ रेडी है, वन मिनट। सर जरा अल्लाह बख्श का चेक लेकर आना। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। थैंक यू सर। ये क्या सर, सिर्फ 7,500 रुपए? क्या करें अशोक, इतना ही सैंक्शन हुआ, और वैसे भी हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही खर्च देता है, फिर चाहे ऊपर का खर्च कितना भी हो वो खुद ही चुकाना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह बख्श ड्यूटी पर नहीं था इसलिए। समझ गए। क्या सर, वो ड्यूटी पर नहीं था तो क्या, उसने क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ दिया क्या? पकड़ने की कोशिश की ना, उसने ड्यूटी निभाई सर। अगर किसी भी दंगे में हमें कुछ हो जाए तो नर्सिंग होम में नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए, ऐसा चिट्ठी लिखकर जेब में रखते हैं क्या? उस वक्त जान बचाना जरूरी समझते हैं सर, और यही उन लोगों ने किया। वो जिस तरह से सोचते हैं हमारा डिपार्टमेंट वैसा नहीं सोचता, तो फिर डिपार्टमेंट के खातिर जान की बाजी लगाकर हम क्यों काम करें? आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं। अगर समझते तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं पैसे अल्लाह बख्श के मौज मस्ती के लिए नहीं मांग रहा। पिता का चेहरा देखकर उससे दूर भाग रहा है उसका बच्चा, उस बच्चे का प्यार पाने के लिए उसे अपना चेहरा ठीक करना होगा। माँ बाप को बच्चे के प्यार में जो सुख मिलता है वो करोड़ों रुपए देने से नहीं मिलेगा। 3 बच्चों के बाप होने के बावजूद आप नहीं समझ सकते सर। अशोक तुम्हारी हर बात में सच्चाई है, बट माई हैंड्स आर टाइट, आई एम टोटली हेल्पलेस। तो फिर अभी तक आप कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? हमें ऑर्डर देने के लिए वर्दी उतार कर घर पर बैठिए सर। घर बैठे आपको पेंशन मिलता रहेगा, इस काम से तो बेहतर है सर। अशोक सर सर सर
गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के नजर में अल्लाह बख्श हेड कांस्टेबल होगा, लेकिन हमारी नजर में योद्धा है। उसे ठीक करने के लिए हमारी तरह कई ऑफिसर्स हैं। सबने 500 रुपए दिए तो भी बहुत है, आपके भीख हमें नहीं चाहिए सर। सर अल्लाह बख्श के इलाज के लिए मेरे तरफ से 100 रुपए लीजिए। सर मेरे तरफ से 500 लीजिए। सर ले लीजिए। सर सर लीजिए मैडम। इतना पैसा डिपार्टमेंट वालों ने दिया है? नहीं क्या? मैडम, हमारे स्टाफ की तरफ से अशोक कुमार जी ने इकट्ठे किए हैं। तो फिर नहीं चाहिए। देखिए मुफ्त के पैसे लेना तो क्या, उन्हें देखने से भी गुस्सा आता है। उनके आने से पहले आप यहाँ से चली जाइए। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगी तो अशोक कुमार जी को बहुत बुरा लगेगा। हर जगह पर हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को मारने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में मैं एक मुस्लिम हूँ ये जानकर भाई बनकर मेरी मदद कर रहे हैं। अगर हम ये पैसे लेने से मना करेंगे तो उन्हें वाकई बहुत बुरा लगेगा। दीजिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। चलते हैं सर। अशोक कुमार मेरे लिए सिर्फ एक भाई ही नहीं है, उन्होंने हर वक्त मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे बच्चे का खोया हुआ प्यार दिलाया, अपने साथ ही अपनी हर जीत का मुझे भागीदार बनाया। ही इज रियली ग्रेट, ही इज अ मास्टरपीस। दिस इज सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार फाइल सर। बैठिए। अशोक कुमार बहुत ही जिद्दी स्वभाव का है, काफी गुस्से वाला है। हाँ, वो आपसे जिस तरह पेश आया ये खबर हमें मिल चुकी है। मैं आईजी से बात करके उसके बारे में क्या करना है जल्द फैसला करूंगा। मैडम का फोन है। हेलो। हाँ कहिए मैडम, आपने मुझे बुलाया। मिस्टर अशोक, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू आर नॉट अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यस, आपकी पर्सनल फाइल सीएम के पास प्रोड्यूस हो गई है। ऑर्डर मिलते ही आपको हायर ऑफिसर के आगे हाजिर होना होगा। वजह क्या है जान सकता हूं मैं? ये जानने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फेस इट एंड गेट रेडी फॉर इट। You personally look after all the arrangement. Okay, sir. Mr. Ashok Kumar, आपने कमिश्नर के साथ बदतमीजी की। I just want to warn you, police department में it's not only success which matter, even character. Try to cultivate, okay? आज पुलिस समारोह दिवस है। समाज के घातियों को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर कर्तव्य को ही भगवान समझने वाले साहसियों को सम्मानित करने के लिए हमने इस समारोह का आयोजन किया है। हमारे डिपार्टमेंट को कामयाबी मिलने के पीछे किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता, जूनियर अधिकारियों की भी हर हाल में जरूरत पड़ती है। ये हमारे मिस्टर अल्लाह बख्श ने साबित कर दिखाया है। अल्लाह बख्श को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घोषित किया जाता है। खाकी वर्दी वाले कोई पत्थर दिल के नहीं होते और ना ही वो किसी के गुलाम होते हैं। हमें जो पावर दी गई है वो सिर्फ अपराधियों को सजा देने के लिए नहीं है, भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए मिली है। हम में प्यार, मोहब्बत और विश्वास होना चाहिए और ये है, इसीलिए ACP मीनाक्षी जी के कहने पर हम लोगों ने इस बात को अभी तक गुप्त रखा था। सिर्फ एक घंटा दे रहा हूं, जल्दी काम निपटाओ, जाओ। इस समारोह में सीनियर अधिकारी होते हुए भी एक घरेलू औरत की तरह आम लोगों के बीच में बैठकर इस फंक्शन में शामिल होना उनकी इच्छा थी। और इसकी वजह है मिस्टर अशोक कुमार को
सर्कल इंस्पेक्टर के पद पर घोषित करना। अशोक कुमार जी किन्हें ढूंढ रहे हैं ये हम जानते हैं, वो भी ठीक समय पर यहाँ आ जाएंगी। आप स्टेज पर आइए और अपना प्रमोशन लीजिए। हाथ हटाओ, मैं देखती हूँ क्या हुआ। हाथ हटाओ। हाँ, एक मिनट, अब तुम मुझे साफ दिखाई दे रही हो। मेरी आंखों में धूल गिरने से तुम्हें कैसे दिखाई देगा, अब बोलो। जानता हूँ, दिल से पूजा करो तो भगवान भी नजर आते हैं। हमेशा मजाक करते हो अशोक। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, 1982 में ऑप्टोग्राफी प्रोसेस में एक केस सॉल्व हुआ था। पता है कैसे? एक नर्स को किसी डॉक्टर ने रेप करके मार डाला। उन्होंने उसके आंखों के इमेजिनेशन से माइक्रोफिल्म खींचकर उस अपराधी का पता लगा लिया। उसी तरह मेरी भी एक इच्छा है। क्या तुम्हें भी इस तरह का केस सॉल्व करना है क्या? अब मैं तुम्हें देख रही हूँ ना, ऐसे अचानक मौत आ जानी चाहिए, तब तुम्हारा इमेज मेरी आंखों में वैसा ही रहेगा। स्टॉप इट। इस सीरियस आदमी में सेंटिमेंट भी है क्या? क्यों होना नहीं चाहिए? मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरा दिल नहीं है क्या? अल्लाह बख्श। आई बैंक में फोन लगाओ। गौतम कहाँ है? सर सर यही था सर, उसका पेट दर्द हो रहा था इसलिए डॉक्टर के पास भिजवाया। डॉक्टर के पास? डोंट वरी गौतम, डरने की कोई बात नहीं है, फूड पॉइजन हुआ है बस। एक हफ्ता नॉनवेज छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, ये यहाँ कितने देर से है? 2 घंटे से यही है सर, मैंने इसे इंजेक्शन देकर ऑब्जर्वेशन में रखा था। हाँ सर, मैं यहाँ नहीं भेजने वाला था, मिनिस्टर का बेटा है, कुछ हो जाता तो। वैसे भी लॉकअप डेथ की जगह से कई लोग परेशान हैं, ऐसे में बिना इलाज के मर जाता तो हमारा ही नाम खराब होता ना सर। चलिए जल्दी उठाइए।
अशोक कुमार, व्हाट इज दिस? बिना परमिशन के आना मना है, मैं आपसे कह रहा हूं, गेट आउट फ्रॉम हियर। एसपी एसपी एसपी, वेट। क्या रे, घूर घूर कर क्या देख रहा है? हां क्या करेगा? मर्डर करेगा? मर्डर करेगा? मर्डर करेगा? करके दिखा। कम ऑन, किल मी, किल मी, किल मी। इसे छोड़ो अशोक कुमार, इसे छोड़ दो, यही तो बहुत बुरा होगा। प्लीज अशोक कुमार छोड़ो, इसे छोड़ो, अशोक कुमार छोड़ो, इसे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, प्लीज छोड़ो छोड़ो। हेलो अशोक कुमार, गौतम को मारने के लिए जेल में आया था। हाँ? क्या हुआ गौतम को? उसे कुछ नहीं हुआ सर, गौतम ने ही एसीपी का मर्डर किया है ऐसा उसे शक हुआ है सर। उसे किसी भी वजह से बाहर नहीं छोड़ना मिस्टर नायक, वो जो भी मांगे उसे जेल में ही सप्लाई कीजिए। दिस इज माई ऑर्डर। विश्वास भैया, भैया कैसे हो बेटा? बहुत मारा भैया, मालूम है। भैया भैया डोंट शाउट। नहीं भैया, ये क्या कर दिया आपने? एक कैदी को मार डाला, आप क्या समझते हैं? डोंट शाउट, मुझे साउंड से एलर्जी है इसलिए साइलेंसर लगा के शूट किया। पर सर अगर पता चला तो? मैं जहां कदम रखता हूं वहां सौदा करता हूं या मर्डर करता हूं, तुम्हें क्या पसंद है? गुड। आइए आइए आइए। ये किसका? हमारा ही है। दाया पैर बढ़ाकर अंदर चलिए। मैं जहां कदम रखता हूँ जानता हूँ सौदा करते हैं या मर्डर करते हैं, लेकिन ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है, आपके दुआओं का महल है। आइए आइए आइए। आज भी तुम आओगे या नहीं सोचा नहीं था। मैं बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाता, बिन बुलाए भगवान के घर भी ना जाए, समझे? डिस्टिलरी फैक्ट्री का काम शुरू होकर 6 महीने हो गए पर मुझे इसकी कोई खबर नहीं मिली। मिस्टर शशिकांत,
आज संडे है, मौसम भी बहुत अच्छा है, फ्री भी हूँ, तुम चाहो तो। ये क्या है? सर पकड़कर जीते ये लोग, सर फोड़कर जीते हैं वो लोग, मैं सर चलाकर जीता हूँ, याद रहे। भाई भाई, आज फ्री हो ना, पैसे की फिक्र मत करो, बस आज तुम मुझे पूरी तरह खुश कर दो। चले क्या? डिस्टिलरी के लिए भेजे हुए पैसे से आपने ये घर बनाया क्या? अरे अरे अरे, किस गधे के औलाद ने ऐसा कहा है? हमने कितनी मेहनत करके पसीना बहाकर ये घर बनवाया है पता है? डोंट शाउट, मुझे साउंड से एलर्जी है। जो हुआ सो हुआ, एट एनी कॉस्ट इस महीने में मेरी फैक्ट्री खुल जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कुंडली बदल दूंगा, माइंड इट। पहले मुझे जवाब दो, मेरे होते हुए बीवी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे अभी जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो ना। अंकल, तुम यहाँ क्यों आई बेटी? आपने खाना खाया अंकल? भैया अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, आइए खाना खाइए। सर आप ही हमारा हौसला है, सर आप ही हमारी प्रेरणा है, अगर आप पहले की तरह नहीं हुए तो हम भी बहक जाएंगे सर। हाँ अंकल, आपको शॉर्ट टेम्पर इमोशनल एरोगेंट कहते हैं। मैं हूँ ही ऐसा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट सर, आपको ऐसे ही रहना चाहिए। अल्लाह बख्श, एसीपी मीनाक्षी एक सिंसियर डेडिकेटेड ऑफिसर थी, मेरे डिपार्टमेंट में होते हुए मैंने उन्हें खो दिया, ये मेरी बदनसीबी है। एज अ वाइफ शी वॉज माई लाइफ। किसे ढूंढ रही है मैडम? पुलिस वालों को? वो तो कब के भाग गए। मिस्टर अशोक कुमार, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, रहने दीजिए मीनाक्षी जी, मेरा नाम आपको क्लेवर। वो छोड़िए, आपने उन्हें साथ में क्यों लाया था? आपकी मदद करने के लिए ना। अरे जब वो खुद को नहीं बचा सकते तो लोगों को और हमें क्या बचाएंगे। एक काम कीजिए, उनके हाथ में लाठी के बजाय बंबू थमा दीजिए, आप में से कोई मरा तो उठाकर ले जा सकते हैं वो। मिस्टर माइंड योर लैंग्वेज, हमारे देश में सब बातें करते हैं और बातें करने वाले कभी काम नहीं करते। गुस्सा मत होइए मैडम, उम्र ढल जाती है पर सर्विस पूरी नहीं होती, सिर्फ महीने की तनख्वाह के लिए काम करने वालों की वजह से हम जैसे युवक बिना काम के गली गली भटक रहे हैं। हमें यूनिफॉर्म देकर देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है गुनहगारों को सजा दिलाना और समाज में शांति बनाए रखना। प्रूव कर देंगे, जो लोग पुलिस वालों को देखकर कॉकरोच मक्खी मच्छर बोलते हैं उनके मन में पुलिस के प्रति इज्जत जगा सकते हैं। अब क्या काम देंगे? किसी इन्फ्लुएंस वाले को रिश्वत देने वाले को देकर उन्हें लोगों को डराकर उन्हें लूटने का इंतजाम करवा देते हो। हमारे देश में भूखों को खाना नहीं मिलता और जिसे खाना मिलता उसे भूख नहीं, ये आम बात है। आप इतनी बातें करते हो, आपको पुलिस में भर्ती होने में इंटरेस्ट है क्या? पुलिस का काम मिलना इतना आसान है क्या? इंटरेस्ट है क्या? सोच लीजिए मैडम, आपकी बात
नेताओं के झूठे वादे की तरह नहीं होनी चाहिए। समाज के रोगों को मिटाने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है और हमारे कमजोर डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की जरूरत है। व्हाट डू यू थिंक? आप सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही नहीं, पब्लिक सर्वेंट भी है। बी सिंसियर टू देम एंड गुड लक। थैंक यू मैडम। फोन करके आपने मुझे अर्जेंट बुलाया क्या? आपसे मुझे एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए। मिस्टर अशोक, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन कहते हैं, ये आप मानते हैं क्या? ऑफ कोर्स, मेरी सफलता के पीछे भी एक औरत है। वो औरत कौन है जान सकती हूँ क्या? और कौन, आप ही तो है। एक लड़की औरत तब कहलाती है जब उसकी शादी होती है। मेरा ये सपना आपने पूरा किया तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। तो फिर मेरे बारे में आपके दिल में क्या है? इज्जत है। इस इज्जत के पीछे अभिमान है, स्नेह है, डर है या फिर प्यार है? कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचकर बताइए। लेकिन इस इज्जत के पीछे अगर प्यार रहा तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझूंगी। हेलो, मैं स्पीक टू मीनाक्षी अशोक कुमार? स्पीकिंग। कम ऑन मीनू, रिलैक्स कहा ना। Come on, relax, Minu. मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। मिस्टर, बाइक पे देना अलाउड नहीं है, एक उतरो। ये पूछना ट्रैफिक पुलिस का काम है, आप अपना काम करिए। यू रास्कल! ए, हम कौन है ये तू नहीं जानता, तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे देख लेंगे। हराम साधो, लड़कियों को छोड़ते हो तुम्हारी तो? अरे छोड़ो, ए, इनके सर मोड़ दो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो चमड़ी उधर दूंगा। आजकल आपके सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार का नाटक बहुत ज्यादा हो गया है। पत्नी की मौत का गुस्सा औरों पर निकाल रहा है, इज्जत से उसे ट्रांसफर करवा दीजिए। नहीं तो एक ना एक दिन वो हमारे गौतम की वाट जरूर लगाएगा। हाँ। चुप रहने का तू क्या लेगा? और चाहिए कि बस है। ए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी जल्दी उसका ट्रांसफर करना नामुमकिन है सर। ट्रांसफर करना नामुमकिन है, आप ये बात किससे कह रहे हैं? कंट्रोल योर रूड बिहेवियर, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने आकर कंप्लेंट किया होगा, इसीलिए आप झाड़ने आ गए। बोलिए। डोंट गेट एक्साइटेड, मैं बस एक सिंसियर एडवाइस देने आया था। तुम और एक हफ्ते की छुट्टी लेकर रेस्ट करो, बस इतनी सी बात है। मुझे कुछ नहीं हुआ है सर, फिजिकली मेंटली आई एम परफेक्टली राइट, मैं ड्यूटी पर जाऊंगा, यही मेरा फैसला है। क्या है, क्या है ये? हाँ,
अशोक कुमार मेंटली अनबैलेंस लिखा है ना, मुझे मेंटल हॉस्पिटल में दिखने आए थे क्या, या किसी डॉक्टर ने बोल दिया? मिस्टर अशोक कुमार, प्रेस में इस तरह शोर मत मचाइए, आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी को मत भूलिए। मेरी रिस्पांसिबिलिटी के बारे में कुछ मत कहिए, अपनी रिस्पांसिबिलिटी के बारे में सोचा है क्या? देखिए, हरजन गर्ल इज रेप ऐसा लिखा है, क्यों अ गर्ल इज रेप नहीं लिख सकते क्या? देश की हालत वैसी बिगड़ी हुई है और बिगाड़ना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे आप लोग भगवान है क्या? हाँ, आप लोगों का काम है सूचना देना, उन्हें बढ़ाकर दंगे करवाना नहीं। दाऊद हैव किल्ड 15 पीपल, इसे बड़ा इशू बना दिया आप लोगों ने। हाँ सर, उसने सच्ची मारा है। तुम्हें गिनने के लिए बुलाया था क्या? अरे इसके बजाय पुलिस ने दाऊद के आदमी को मारा ये लिखिए, पुलिस वाले मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन आप गुनाहगारों को स्ट्रांग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं या गुनाहगारों के लिए काम कर रहे हैं? बैंक रॉबरी के दौरान 3 बेकसूर लोगों की हत्या, डेड बॉडी के फोटो फ्रंट पेज पर कलरफुल बनाकर छापते हैं आप लोग, यही रिस्पांसिबिलिटी है आपकी? हाँ, ये छोड़िए, उसे देखकर लोग क्या सोचेंगे, यही कि हम समाज में जी रहे हैं या किसी शमशान घाट में जी रहे हैं? ओह, इज इट? नई सरकार के बदलने पर उस स्टेट से इतने सारे मंत्री, इस स्टेट से इतने मंत्री और किसी स्टेट से इतने सारे मंत्री, हमारे स्टेट से कोई नहीं, या उस जाति के इतने सारे मंत्री, इस जाति के इतने सारे मंत्री और इस जाति के इतने सारे मंत्री, हमारी जाति का कोई नहीं कहते हैं। ये सब लिखकर लोगों के दिलों में भेदभाव पैदा करते हो, क्या यही आपकी रिस्पांसिबिलिटी है? बताइए बताइए बताइए। कूल डाउन, मुझे इन लोगों से बात करने दो। अरे सर, लोगों के दिलों में उमंग जगाने जैसा कुछ लिखने के बजाय बेकार में अनाप शनाप लिखकर ये देखिए सर, अशोक कुमार मेंटली अनबैलेंस लिखा है, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ सर? देखो, मैं देखता हूँ। क्या सर, आपने ऐसे लोगों को अपने डिपार्टमेंट में क्यों भर रखा है? तुम्हारी तरह निकम्मे नहीं है अशोक, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए सर, अपनी बात आकर भले पूछे, लेकिन दुनिया भर की बात करने का क्या मतलब है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सॉरी सॉरी एक्सक्यूज है। चलो कम ऑन, चलते हैं। ऐसे लोग समाज का क्या उद्धार करेंगे? इशू की बात पूछनी है? मैंने कहा पूछा सर? क्यों नहीं पूछा? मैं पागल हो गया हूँ इसलिए? मैंने ऐसा कब कहा था सर? कहा नहीं, मगर बिहेव ऐसा कर रहे हो। कैब कहाँ है? इडियट। ओए, यहाँ किसने बैठने को कहा तुम्हें? डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटी। डिपार्टमेंट कौन है? डिपार्टमेंट हायर अथॉरिटी या मैं हूँ सब इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, हायर अथॉरिटी, सब कुछ। गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। सर, इज्जत से बात कीजिए सर। इज्जत से? हाँ, तुम जैसे एहसान फरामोश को इज्जत दू? ए, तुम जानते हो ये मेरी कुर्सी है, किसी ने कहा और तुम यहाँ पे बैठ गए? उठो, उठो, उठो। सर, सर आप सीनियर है इसलिए इज्जत दे रहा हूँ सर। नहीं सर, प्लीज बस कीजिए सर। क्या? नहीं सर, क्या नहीं करेगा? सर प्लीज, नहीं सर, क्या करेगा? नहीं, क्या करेगा? क्या करेगा सर? क्या करेगा सर? क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे धक्का दिया सर, मुझ पर हाथ उठाया। क्या कर रहा हूँ? सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अल्लाह बख्श का हवालात में खून किया। तमाम सबूत और बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुजरिम अशोक कुमार को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत 14 साल की सजा सुनाती है। अशोक कुमार, उस दिन लोगों ने मुझे चप्पलों से मारा और डिपार्टमेंट की तरफ से तुम्हें तालियां मिली, है ना? है ना? लेकिन यहां नए नए कैदियों के बीच में तुम जिंदगी भर सड़ते रहोगे। मिस्टर अशोक कुमार, हिंदू मुस्लिम को एक करके आपने शांति बनाए रखने की कोशिश की, द मोस्ट सिंसियर ऑफिसर। लेकिन अब एक मुस्लिम को, वो भी अपने जिगरी दोस्त का खून करके जेल में पड़े हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कम से कम यहां सही रहकर अच्छे इंसान कहलाओ, इसके बजाय अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, यह भूल कर तुम पर एक्शन लिया जाएगा। रिमेंबर इट।
एसपी सर बचाइए सर, मुझे बचाइए। छोड़ो इसे, अरे इसे छोड़ो। क्या हुआ सर? मैं इसे खाना देने के लिए आया तो अब गौतम कहाँ है उसके सेल की चाबी देख बोलकर मेरा हाथ पकड़कर घुमा डाला। अशोक कुमार ने आपके बेटे की सेल की चाबी के लिए हमारे आदमी को पकड़ा था सर। गौतम ने ही उसकी पत्नी का खून किया, ये उसे पता चल गया है सर। तो फिर उसे वहां रखना ठीक नहीं है सर। अगर आप पैरोल के लिए अप्लाई करें तो कोई भी एक बहाना बनाकर मैं उसे 30 दिनों के लिए बाहर निकालूंगा सर। ए 30 दिन के लिए निकालेगा? छुट्टियां मनाने के लिए क्या? देख रे गौतम हमेशा हमारे साथ होना चाहिए, ऐसा कोई इंतजाम कर। चिल्लाते क्यों हो? 30 दिनों के बाद भी जब तक हम कहेंगे हमारे एसपी साहब रिन्यू करते रहेंगे सर। मैं क्या कहते हैं? ओके सर। अरे अभी तक यहाँ खड़े क्यों हैं आप? कल डिस्लरी की ओपनिंग है, छोटे मालिक यहाँ पर होने ही चाहिए। अब सोच क्या रहा है? जाकर उसे छुड़ा, जाना। इतना सोचता क्या है, जाना जल्दी जल्दी जाइए। ऐसे क्या देख रहा है? खाना खा। सर ये जब से सेल में ही है ना? हाँ सर, मैं 3 घंटे से यही हूँ। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो रूम में आना। ओके ओके सर। खुशी हुई? खुशी हुई? बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। हाँ। फिर तो गए काम से, मैं तो चली। क्या होने वाला है? भाई इस खुशी में कोई पार्टी नहीं होगी क्या? एक बार पीकर जेल जा चुके हो, फिर से पार्टी मनाओगे? मेरा क्या जाता है, एंजॉय योर सेल्फ। मालिक मालिक क्या हुआ? सीएम साहब ने कल प्रेस मीटिंग बुलवाई है। ये कौन सी बड़ी बात है? अपनी पार्टी के पास बहुत है, कुछ मंगवाना भी होगा तो मीटिंग बुलवाते हैं। देख पेपर में अगर पब्लिसिटी करनी हो तो प्रेस वालों को बुलाकर भाषण देते हैं, टीवी पर आने के लिए टॉयलेट का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुंह बंद कीजिए। सर उन्होंने कल मीटिंग बुलवाई है लिक्कर बैनिंग ऑर्डर को अनाउंसिंग करने के लिए। अब आप लिखकर बैन करने की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी है? मुख्यमंत्री जी एक बार और सोच लीजिए, आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो उन्हीं की बदौलत तो मिली है। ये कुर्सी को पाने के लिए हमने लोगों को घर, पानी, अनाज, कपड़ा ये सब चीजें देंगे ऐसा आश्वासन दिया था, अब हमें उसे निभाना है। आश्वासन देना सिर्फ कहने की बात होती है, हमने उनसे कोई वादा नहीं किया, और किया हो तो उसे निभाना कोई जरूरी नहीं है। कौन है ये? बिल्लू रानी है, अपनी पार्टी मेंबर। पार्टी मेंबर है ना, पर ये पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है, दिस इज कैबिनेट मीटिंग। मेंबर हो या मिनिस्टर हो, जब एक राज्य को चलाने की बात आती है तब ऐसी औरतों को रखना पड़ता है। अड़ोस पड़ोस के स्टेट्स को देखकर थोड़ा सीखिए। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, अगर ये यहाँ से नहीं जाएंगी तो ये मीटिंग आगे नहीं बढ़ेगी। आप दोनों घर आइए। देखिए आप चाहे तो घर अनाज दीजिए, पर लिखकर क्यों बैन कर रहे हैं? क्यों बैन कर रहे हैं जवाब दीजिए, क्यों बैन कर रहे हैं जवाब दीजिए, क्यों बैन कर रहे हैं? लिखकर बैन करने से लोगों की पीने की आदत छूट जाएगी और उन्हीं पैसों से अनाज खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, इससे उनका उद्धार होगा। इतना ही नहीं, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट विल इंप्रूव, दिस इज माई ओपिनियन। आप लोग क्या कहते हैं? कहना क्या है, भलाई का काम करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। भलाई करना है तो यहाँ क्यों बैठे हो? लोगों के पास जाकर उनकी मदद कीजिए,
सीएम साहब, आपके फैसले से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। नो नो नो, आप लोग चुप क्यों बैठे हो? ये गलत हो रहा है, आप बोलते क्यों नहीं? आप लोग, आप लोग मेरी बात सुनिए, ऐसा करने से हमारी पार्टी का भी नाम होगा। शांति रखिए, आप लोग बोलिए, नहीं सहेंगे। आप लोग कुछ भी करें, मैंने जो फैसला किया वही आखिरी है। मैंने तुम लोगों पर भरोसा करके बेवकूफी की है। हमारी गलती नहीं है भाई, वो सीएम ऐसा काम करेगा ये हम जानते नहीं थे। तो क्या हुआ, यूं ही चुप रहोगे? बिल्कुल नहीं, प्रिजन मिनिस्टर बनाकर मेरे भाई को ले जाकर जेल में कैदियों के पीछे लगा दिया, मेरे पास होने वाली होम मिनिस्ट्री को छीनकर पशु रक्षा संघ सचिव बनाकर जानवरों के पीछे लगा दिया, और अब हमारे लिक्कर लॉबी को बैन करने चला है। उसे यूं ही छोड़ने से देश की तरक्की कहकर तार रोड को हटाकर लोहे का रोड बना देगा, ऐसा क्योंकि अब पूछने पर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी इंप्रूव बोलकर हमें ही रास्ते पर ले आएगा। तो फिर उसे जिंदा क्यों रखा है? खत्म कर दो। ये काम आप ही कर सकते हो भाई। तुम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हम चाहिए, मारने के लिए भी हम चाहिए। ओके, मैं समझाने जा रहा हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। You stay here. Namaste. Namaste. May I? हाँ बैठिए। Thank you. क्या काम है? January 30th, मतलब गांधी की मौत के दिन, आप लोगों के सामने लिकर बैनिंग ऑर्डर को अनाउंस करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहने वाले तुम कौन होते हो? इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन। मुझे कैश लेकर एक डीलिंग के लिए सीएम ने ही आने के लिए कहा, ऐसे कहूं तो। थैंक यू। मुझे रिश्वत देते हो? How dare you do that? भगवान को रिश्वत देकर जिंदगी को रिन्यू करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या? Shut up! Take this and get out! मुझे साउंड से एलर्जी है, इज्जत से मेरी बात मान लो, नहीं तो क्या करोगे? क्या करोगे? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मेरे साथ सिर्फ 14 करने वाला आया, नहीं तो आज मैं तेरा मर्डर कर देता। क्या रे, जा। सिर्फ तू ही क्या, तेरे जैसे 100 इब्राहिम भी अगर आ जाए ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? जोक, गुड जोक। ऊंची आवाज में बोलने वाले ऐसे बहुत से आदमियों को मैं कब का मिटा चुका हूं, और वैसे भी तुम आधे मर चुके हो। जब किसी की मौत आती है तब महात्मा बनते हैं। सोच ले एक बार। सर, बाहर प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बैठिए बैठिए। ऊंची आवाज में बोलने वाले ऐसे बहुत से आदमियों को मैं कब का मिटा चुका हूं, और वैसे भी सर, हमें अर्जेंट बुलाया, क्या बात है? आपके पार्टी में कोई समस्या चल रही है सर? आप विदेश जाने का सोच रहे हैं क्या? आपके लोग अपोजिशन पार्टी से मिले हैं क्या? Are you going to resign your post? नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। आने वाले जनवरी की 30 तारीख को हमारे पक्ष को सत्ता में आकर पूरे एक साल हो जाएंगे। इसके अलावा जनवरी 30 तारीख को हमारे महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उस पुण्यात्मा की याद में हम सार्वजनिक रूप से मद्यपान निषेध की घोषणा करेंगे। Thank you.
मैं जेम्स बोल रहा हूँ सर। अशोक कुमार जी आपसे अर्जेंटली मिलना चाहते सर। डॉक्टर, पैरोल ऑर्डर खत्म हो रहा है, फिर से उसे कंटिन्यू करना है। डीआईजी साहब आए हैं, आपको याद कर रहे हैं। इस जेल के कारपेंटर सेक्शन में हथियार बनाए जाते हैं। हथियार बनाने के बाद उन्हें फूड वैन में लोड करके बाहर भेजा जाता है। ओ आई सी, मतलब मैंने जो सोचा वो सही है। देखो, कल मैं जब तक कोर्ट से ऑर्डर लेकर ना जाऊं और तुम्हें छोड़ा कर न ले जाऊं, तब तक ये खबर हो या अल्लाह बख्शी मौत की खबर एक नाटक है, ये किसी को पता नहीं चला था। भाई अब क्या करें, बात बात में कहते थे मैं मर्डर करूंगा, मैं मर्डर करूंगा, अब वो हमारी जान लेने पर तुले हुए हैं। जान लेने के बजाय अब तुम जान दोगे क्या? किसी तरह सरकार हमारे साथ आ जाएगी, मेरा भाई सीएम हो जाएगा, मैं होम मिनिस्टर हो जाऊंगा सोचा था, और यहाँ पर जो कुछ भी है सब मेरे हाथ आ जाएगा। डोंट शाउट, मैं दिमाग चलाकर काम करता हूँ, ये जानते हो ना। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का भी साथ नहीं दिया है, मैंने सिर्फ आपका साथ दिया। अल्लाह बख्श का पता जानते हो? जानता हूँ सर, खंडाला रोड, महावीर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। मैं जा रहा हूँ मर्डर करने, तुम्हारी जरूरत नहीं है, यू स्टे हियर। मैं भी आऊँ क्या? शस्त्र देने वाले ये है, मारने वाला मैं हूँ, मरने वाला वो है, चौथे आदमी की जरूरत है कंधा देने के लिए। तुम अल्लाह बख्श को पहचानते नहीं हो इसलिए कहा। डैडी डैडी गाड़ी रोकिए ना, डैडी जरा गाड़ी रोकिए ना। क्या हुआ बेटा? बस अभी आई, कोर्ट पहुंचने में देर होगी, जल्दी चलो। योर ऑनर, एसीबी की मौत के बाद मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, एक पति होने के नाते पत्नी की मौत के गम में परेशान था। तब कमिश्नर साहब, डीआईजी पाटिल और अल्लाह बख्श मेरे घर आए। मैं तुमसे हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक सहायता चाहता हूँ, इसीलिए एक हफ्ते की छुट्टी लेने की बात कर रहा हूँ। हमारे जेल में कुछ उल्टा काम चल रहा है, पर क्या है समझ में नहीं आ रहा, और इस काम के पीछे हमारे जेल के कुछ ऑफिसर्स, रेजिडेंट मिनिस्टर, इनका हाथ है ऐसा मुझे लग रहा है। जेल हमारे डिपार्टमेंट से पूरी तरह से अलग है, मेरा जेल में छानबीन करना ठीक नहीं होगा। लोग तुम्हें वैसे भी मेंटली अनबैलेंस्ड हो ऐसा समझते हैं, इसी बात का फायदा उठाकर अल्लाह बख्श के हत्यारे का, हिंदू मुस्लिम को एक करके उन्हें हम भारतीय कहने वाला मैं हूं, मैं खून का इल्जाम लूं, वो भी अल्लाह बख्श का, वो मेरा करीबी दोस्त है। नो मिस्टर अशोक, अगर तुम इस काम के लिए राजी नहीं होगे तो हमारे देश को बचाने के लिए कोई हिंदू या मुस्लिम तो क्या, बल्कि एक भारतीय भी नहीं मिलेगा, माइंड इट। हाँ सर, ये देश का सवाल है सर, मान जाइए सर। अल्लाह बख्श, मेरी मौत की खबर से आप आसानी से जेल में पहुंच सकते हैं सर, इस ड्रामा को अंजाम देना हमारे हाथ में है सर। सर, देश ने हमारे लिए क्या किया है इससे बढ़कर हमने देश के लिए क्या किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह बख्श के कहने से मैं इस काम के लिए राजी हुआ, मेरे असली मकसद के बारे में किसी को पता ना चले इसलिए जानबूझकर जेल में गौतम से मिलने का नाटक किया। यह खबर जेल के कुछ अधिकारियों के जरिए गुनाहगारों तक पहुंची। जेल में एक ईमानदार सिपाही की मदद से वहां पर हो रहे घोटालों का मैं धीरे धीरे पता लगाता रहा। तब एसीपी मीनाक्षी की हत्या और जेल में हो रहे घोटालों के पीछे जिसका हाथ है वो इब्राहिम है पता चला। सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने जो कहा वो पूरी तरह सच है। डीआईजी पाटिल एक दिन प्रिजन मिनिस्टर के घर से गुजर रहे थे। ए, गेट खोल, बहुत जल्दी है क्या, दो मिनट रुकिए। सिक्योरिटी सर यहां आओ। ये कौन सी वैन है? कैदी को खाना पहुंचाने की वैन है सर। यहाँ क्यों आई है? मिनिस्टर साहब हर रोज खुद खाना खाकर टेस्ट करके फिर जेल में खाना भिजवाते हैं। मैं मदद कैसे करूं? तुम्हारा डिपार्टमेंट अलग है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है। ये मैं भी जानता हूँ, इस मास्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट करके उन्हें बेनकाब करना सोचे तो वो अलर्ट हो जाएंगे, और वैसे भी मुझे इसके बारे में जानकारी सिर्फ 50% है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट ओनली एज ए फ्रेंड बट एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर। तो फिर एक काम करते हैं, हम सब मिलकर अशोक कुमार के पास गए, बाद में जो कुछ भी हुआ वो सब अशोक कुमार ने आपको बता ही दिया है। मिस्टर अशोक कुमार,
The chair want to know when you can produce Mr. Allah Bakhsh to the court. आज ही प्रोड्यूस करेंगे सर, थोड़ी देर। अल्लाह बख्श। Come, let's बख्श जिंदा है इस बात का सबूत और गवाह अदालत के सामने अशोक कुमार पेश करने में नाकामयाब रहे, इसलिए जब तक अल्लाह बख्श को कोर्ट में हाजिर नहीं किया जाता अशोक कुमार को दी गई सजा जारी रखने का यह अदालत हुक्म देती है। इब्राहिम। यस मिस्टर अशोक कुमार, यू आर राइट। सारा देश घूमने के बावजूद मुझे किसी ने नहीं पहचाना। यू आर द फर्स्ट मैन, मे बी द लास्ट ऑल्सो। जो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं, जो हर पल मौत के साए में रहते हैं, उन्हें मारना इतना आसान नहीं। हम जैसे लोग पैदा ही होते हैं तुम जैसे देशद्रोहियों का खात्मा करने के लिए। नहीं अशोक, नहीं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। तुम जिस भारत माता को अपनी माँ कहकर उसकी सेवा कर रहे हो, उसी तरह मैं भी अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए ये काम कर रहा हूं। माँ के नाम पर देश को बेचने वालों को देशद्रोही नहीं कहेंगे तो क्या देश प्रेमी कहेंगे? अशोक, दो देशों के बीच जंग छिड़ती है, दोनों तरफ के सैनिक आपस में लड़ते हैं, एम आई राइट? एक दूसरे के वो दुश्मन होते हुए उनके देश के लिए वो देश प्रेमी ही कहलाते। हम भी वैसे ही है, तुम मेरे दुश्मन हो, फिर भी तुम्हारे इंटेलिजेंस की मैं कदर करता हूँ। मुझसे हाथ मिला लो, दुश्मनी की बात ही नहीं होगी। What you say? ये बात अगर कोई देश प्रेमी कहता तो मैं जरूर मान जाता, लेकिन मेरा काम है देश द्रोहियों को पकड़कर कानून के हवाले करना, और मैं वही करूंगा। जोक, गुड जोक। चेयर, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम मित्र द्रोही हो। आई मीन यू हैड किल्ड योर फ्रेंड आला बख्श। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं मारा, तुम्हारे नाम से मैंने उसे मारा। कानून की नजरों में जब तुम असली अपराधी हो, नाम तुम्हारा, काम मेरा। इतना ही नहीं, एसीपी मीनाक्षी, आई मीन योर वाइफ, उसका खून भी और नाम आया गौतम का। वेपन डीलिंग भी तो मैंने ही, और नाम आया पॉलिटिशियन का। कल फंक्शन में अगर सीएम ने लिकर बैन कराया तो उसके भी ना कर दूंगा, लेकिन नाम का दोनों ही मेरे होंगे। द क्रेडिट कम्स टू मी ओनली। अशोक, जिन आंखों से मुझे और मेरे धंधे का तुमने पता लगाया, उन आंखों को
आज के बाद कुछ भी नहीं दिखेगा एक्सेप्ट माई इमेज लाइक योर वाइफ। देश विदेश घूमे हुए तुम्हारे जैसे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स इतने लोग जेल में पड़े हैं, अब तुम्हें छुड़ाने के लिए कमिश्नर सीएम भी नहीं आएगा। अगर तुम जीत गए तो कुत्ते के गले में डालने वाले लाइसेंस जैसा एक मेडल पहना देंगे। कामयाबी हासिल की है हमारे गवर्नमेंट ने बोलकर क्रेडिट वो लोग ले जाएंगे। डोंट शाउट, आई डोंट लाइक इट, कंटिन्यू। अल्लाह बख्श कहाँ है? कोर्ट जाते वक्त उन्हें बाहर डाला। किसने? वो कोर्ट है, मैं नहीं जानती। भाई अब सोचने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें तो खो चुके हैं। और अगर देरी की तो अशोक जी को भी खोना पड़ेगा। किसी की भी तरह, किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए। अशोक कुमार को यहाँ से शिफ्ट करना ही बेहतर है सर, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर है सर। अगर जनता को पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी सर। शिफ्ट कर दो, वापस नहीं आना चाहिए। नहीं सर, ये मुझसे नहीं होगा सर। डोंट शूट, मैंने जो कहा उतना करो, नहीं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है सर। सर अब सिर्फ एक ही रास्ता है सर, उसे शिफ्ट करते वक्त उसने हमसे बचकर भागने की कोशिश की और हमने उसे शूट कर दिया, ऐसा बोल देंगे सर। ठीक है, डू इट। ओके सर। क्या कर रहे हो? ए, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। BWSSP का पाइपलाइन रिपेयरिंग हो रहा है सर, अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो आगे मेन रोड मिलेगा सर। इस तरफ चलो। भाइयों और बहनों, आज के दिन हमारे महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे। इस दिन को एक त्योहार की तरह मनाने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। गुजरी हुई पीढ़ियों से आने वाली पीढ़ियों तक सच्चाई अमर रहे, इसलिए उन्होंने कुछ आदर्श बनाए और उनका पालन करते रहे। उनके आदर्शों का हम पालन करेंगे तो, सही मार्ग पर चलेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आज के दिन मैं खुद भी महात्मा जी के उन आदर्शों के एक अंश को
मौन के उच्चारण के बाद उसकी घोषणा करूंगा। इसमें आप सब लोग भी भाग लेंगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। सरकार इंस्पेक्टर